दोस्तों बीते दिनों मोदी 3.0 का पहला बजट पेश हुआ है और ये बजट पेश किया है हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। दोस्तों ये इस देश की पहली ऐसी वित्त मंत्री हैं जिन्होंने लगातार अपने कार्यकाल में लगातार सातवीं बार ये बजट पेश किया है इन्होंने। और इसके पहले जो रिकॉर्ड बना है वो हमारे देश के वित्त मंत्री पहले रह चुके जो हैं वो मोरारजी देसाई हैं, जिन्होंने लगातार 6 बार अपने देश का बजट पेश किया था। दोस्तों बात करते हैं बजट 2024 देश की किन प्राथमिकताओं पर आधारित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताओं की घोषणा की है। पहला, कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। दूसरा, रोजगार और कौशल। तीसरा, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। चौथा, विनिर्माण और सेवाएं। पांचवा, शहरी विकास। छठा, ऊर्जा सुरक्षा। सातवां, आधारभूत संरचना। आठवां, नवाचार अनुसंधान और विकास। और नौवां, अगली पीढ़ी के सुधार। वहीं सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। छात्रों को मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित कर 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा दी जाएगी, जिसमें 3% सब्सिडी इंटरेस्ट की दी जाएगी। दोस्तों इसके अलावा पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनेंगे। महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान आदिवासी समुदाय के लिए 63,000 गांवों में 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा होगा। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही शहरी आवास 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। 1 करोड़ घरों के लिए छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई। दोस्तों इसी के साथ मोदी 3.0 की सरकार बनाने में बिहार और आंध्र का जो सहयोग मिला था सरकार को, उसके बदले इन दोनों राज्यों को सरकार ने रिटर्न गिफ्ट जबरदस्त दिया है और ज़बरदस्त पैकेज दिया गया है इनमें। जैसे कि गया और महाबोधि मंदिरों को मिलेगा कॉरिडोर, नालंदा को पर्यटन केंद्र में बदला जाएगा, वित्त मंत्री ने घोषणा की। साथ ही बिहार के लिए कई और घोषणा भी की गई है। बिहार के लिए सरकार ने अपना खजाना खोल दिया। वित्त मंत्री ने बिहार के लिए नए हवाई अड्डों, चिकित्सा सुविधाओं और खेल के बुनियादी ढांचे की घोषणा की और बिहार में राजमार्गों के लिए 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को पहचानते हुए हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों 1 लाख से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 3 किस्तों में 15,000 रुपए मिलेंगे। और साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि मुद्रा लोन की रकम को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख की कर दी गई है। दोस्तों अब जानेंगे कि इस बजट में कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं और कौन सी चीज़ें सस्ती। तो दोस्तों सरकार ने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी है। इसे कम कर 6% तक कर दिया गया है, जिससे सोने और चांदी के दाम में कमी आ सकती है। साथ ही मोबाइल फ़ोन और चार्जर पर भी कस्टम ड्यूटी कम करी गई है, जिसके कारण मोबाइल भी सस्ते होने के चांसेस हैं। दोस्तों इस बजट में युवाओं की बेरोजगारी पर खासा ध्यान दिया गया है। 4 करोड़ युवाओं को सरकार ने देश की बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप करवाने का सुनिश्चित किया है और हर महीने इन्हें 5,000 स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। टैक्सपेयर को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ा दी है। इसे 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये सालाना कर दिया गया है। यह बदलाव न्यू टैक्स रिजीम के तहत किया गया है। टैक्स लैब में भी हुआ बदलाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ही टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है। यह बदलाव न्यू टैक्स स्लैब रेट में हुआ है। अब 15 लाख से ज़्यादा की इनकम पर 30% का टैक्स लगेगा। दोस्तों ये जो इनकम टैक्स की दरों में बदलाव हुआ है वो 2023 में 3 लाख से 6 लाख रुपये तक जो है वो 5% टैक्स दर था, जो कि अब 3 लाख से 7 लाख रुपये का कर दिया गया है अवधि। और जो 6 लाख से 9 लाख रुपए तक की सीमा थी वो अब 7 लाख से 10 लाख तक कर दी गई है। उस पर 10% का जो है वो टैक्स है। जो 9 लाख से 12 लाख रुपए तक की सीमा थी
उस पर 15% का टैक्स था, अब उसे 9 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक कर दी गई है। अब इस पर 15% का टैक्स लगेगा। अब बाकी के जो नीचे के दो स्लैब हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। दोस्तों, सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पॉलिसी में चेंजेस किए हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में भी चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। और जैसे ही यह बजट पास हुआ, करीब 500 से भी ज़्यादा पॉइंट मार्केट गिर चुकी है। इस चेंजेस के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में जो 10% था इसके पहले, अब वो बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 15% था उसको बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। दोस्तों, कैपिटल गेन टैक्स दो तरीके से लगता है। अगर किसी स्टॉक को एक साल के भीतर बेचा जाता है तो उस पर मुनाफे पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो आपके टैक्स स्लैब के आधार पर लगाया जाता है। वहीं स्टॉक एक साल के बाद बेचा गया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता है। दोस्तों, यह जो अभी तक का कैपिटल गेन टैक्स था, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए 1 लाख की इसकी वैल्यू थी, अब उसको बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए कर दी गई है। मतलब 1.25 लाख रुपए अगर आपका एक साल का प्रॉफिट है उसके अंदर का, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर इससे ऊपर का प्रॉफिट है तो आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। और साथ ही सरकार ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में फ्यूचर सेलिंग पर एसटीटीस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.0125% से बढ़ाकर 0.02% और ऑप्शन सेलिंग पर एसटीटी 0.0625% से बढ़ाकर 0.1% कर दी है। इससे ऑप्शंस ट्रेडर को अपनी कमाई का कुछ ज़्यादा ही हिस्सा टैक्स के रूप में भरना पड़ेगा। इसके साथ ही सरकार ने एग्रीकल्चर क्षेत्र के लिए 1.52 करोड़ का बजट पास किया है, जिससे कृषि क्षेत्र के विकास में काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। वहीं स्टार्टअप कंपनियों को बूस्ट करने के लिए सरकार ने एंजल टैक्स को ख़त्म कर दिया है। तो दोस्तों, बजट के ये कुछ मुख्य बिंदु थे जिन पर मैंने आज चर्चा करी है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज इसी बात को विराम देते हुए मैं संजीव दुबे आपसे विदा लेता हूँ।